हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे कढ़ी पकोड़ा। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बनेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है, उसमें नमक डाल देंगे छोटा 1 चम्मच। मिला देंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बना लेंगे। बैटर बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से लम्स नहीं रहने चाहिए। फेंट लेंगे अच्छे से, निकाल देंगे लम्स सारे। 1 पिंच जितना मीठा सोडा डालेंगे, अच्छे से मिला देंगे। फिर से पैन गरम करेंगे और बैटर को डालेंगे। पकोड़े जैसे शेप बने वैसा ही अच्छा है, शेप कैसा भी हो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से फूल जाएंगे पकोड़े। एक एक करके डालते जाएंगे अच्छे से, और इनको पलटी कर देंगे दोनों तरफ से, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, पकोड़े निकाल लेंगे प्लेट में। इस तरह से मैंने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने ये 1 बड़ा बाउल दही लिया है, फ्रेश है दही, खट्टा नहीं है। उतना ही पानी डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे 1/2 चम्मच, बेसन डाला है मैंने 2 चम्मच, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और मथनी या घोटनी से इसको अच्छे से मिला लेंगे, घोट लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, इनको कूट लेंगे। उसी पैन में एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया मैंने, थोड़ा घी डाला, सरसों के दाने डाल दिए, हींग डाल देंगे। दाने सरसों के चटक जाएंगे तब हम वो जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन मिर्ची का, ये डाल देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे कलर चेंज होने तक। अब जो हमने छाछ का मिश्रण बनाया है वो डाल देंगे। बाउल को धो के थोड़ा पानी भी डालेंगे, और अब इसको चलाते रहना है कंटिन्यूसली। अगर हम छोड़ देंगे, नहीं चलाएंगे, तो फिर हमारी कढ़ी फट जाएगी, इसलिए इसको चलाते ही रहना है। आँच एकदम धीमी ना रखें, थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं अगर आप चला रहे हैं तो। ये देखिए, उबाल आ गया कढ़ी में। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में हो गया है। जब उबाल आ जाए तो आप चलाना छोड़ सकते हो। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे भुनी हुई, क्रश करके मिला देंगे अच्छे से। जब तक उबाल नहीं आता है कढ़ी को चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब हम पकोड़े डाल देंगे अपने। पकोड़े डालने के बाद थोड़ी देर और चलाएंगे, अच्छे से मिला देंगे। गैस को सिम रखेंगे। ये कढ़ी पकोड़ा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी है, इस तरह से ज़रूर बनाएं। अब इसमें तड़का लगाएंगे, तो घी गरम करके उसमें जीरा डाला है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएंगे 1/2 चम्मच।
और तड़का डाल देंगे कढ़ी पे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और धनिया डाल देंगे ऊपर से, हरा कटा हुआ बारीक। ये देखिए हमारी बहुत ही शानदार सी रेसिपी, कढ़ी पकोड़ा रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे अभी। मैं इसको चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हो, लेकिन एक बार इस तरह से बनाएं ज़रूर, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।